हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग जोन। वेस्टर्न वाइल्ड के गेम प्ले नंबर 3 में आपका वेलकम है। तो लास्ट गेम प्ले में हमने फील्ड क्रिएट कर ली थी, तो आज सीधा पॉइंट पर आते हैं। इधर उधर की बातें बंद। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ शॉप पर। तो ये वाला लिजर्ड का AD 7000 जो स्प्रेडर है, ये मैं लेता हूँ लीज पर। तो इसके साथ हम जो है स्प्रेडिंग करेंगे फर्टिलाइजर की एंड अपना लाइम की। तो पहले फर्टिलाइजर ही हम करेंगे अपने फील्ड के ऊपर, फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग करेंगे एंड उसके बाद फिर जो है लाइम स्प्रेडिंग करके एंड फिर हम इसके ऊपर बढ़िया सा घास प्लांट कर देंगे। तो अभी फर्टिलाइजर लेते हैं एक लीज पर। यह तो सीड हो गया, सीड नहीं लेना हमें। तो लाइम है ये, तो पहले लाइम ले लेते हैं। लाइम स्प्रेडिंग करते हैं पहले हम फील्ड के ऊपर अपने। तो इसको उठाते हैं एंड इसकी कैपेसिटी आई थिंक 7000 की है। तो 7000 में मुझे लगता है ये सारे तो नहीं आएंगे एंड आई थिंक 7000 उतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो आई होप 7 के हिसाब से 4 भी नहीं आएंगे ना, 3 ही आएंगे। ये 2000 के एक, 2000 लीटर का एक है, तो मतलब 3 तो पूरे चले जाएंगे और चौथा जो है वो आधा पचाता हट जाएगा। चलो जैसा भी है। एंड उसके बाद फर्टिलाइजिंग की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है वो हम करेंगे सीडिंग के बाद, घास प्लांट करने के बाद। तो आई होप आपने लास्ट गेम प्ले में देखा होगा। लास्ट गेम प्ले में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्लानिंग है इस सीरीज में वो ये है कि हम घास लगाएंगे अपने फील्ड के ऊपर जो हमने क्रिएट किया था। छोटा सा फील्ड है, इतना कोई बहुत बड़ा लंबा छोटा नहीं है, लेकिन हाँ अपने लिए काफ़ी बढ़िया है। जैसे मैंने बताया था कि उसमें हम घास प्लांट करेंगे एंड फिर जो है उसके साथ हम बायोगैस प्लांट का वर्किंग करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा बायोगैस प्लांट पे कैसे काम होता है वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो आज के गेम प्ले में हमारे काफ़ी कुछ टारगेट हैं, तो एंड तक जरूर देखना यार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो यार, सपोर्ट करो प्लीज़। नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 साल के करीब होने को आ गया मेरे को चैनल बनाए हुए, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर बहुत ही कम है यार, बहुत ज़्यादा कम है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो गाइस बीच में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैंने रिकॉर्डिंग का बटन चालू करना ही भूल गया। तो बीच में मैं बोलता रहा, बाद में मुझे पता चला कि यार रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू की मैंने। तो ये आप देख सकते हैं कि एक लाइम स्प्रेड का पूरा मैंने ख़त्म कर दिया था यहाँ लाकर, तो वो साइडों में शायद किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं फिर से लाया हूँ एंड इसकी रेंज काफ़ी बढ़िया है, 42 मीटर की रेंज है। 42 मीटर एक बार में लाइम और फर्टिलाइजर ये डाल देता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो छोड़ना है नहीं, थोड़ा छूट रहा है साइड में, छोड़ना नहीं हमको। थोड़ा फील्ड जो है अपना विंगर टेटस है साइडों में। खैर कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट बार जो है इसको सीधा कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। बाकी साइडों में थोड़ा पेंटिंग करके इसको अच्छा सा एजी सा बना देंगे। एंड वहाँ आप देख सकते हैं कि पहली तरफ से सारा लाइम जो है स्प्रेडिंग हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है फिर अपना ख़त्म हो गया था, जैसे कि आपको पता है 7000 लीटर की इसकी कैपेसिटी, जो कि कम है, आई थिंक बहुत कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन खैर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जितनी को इस मैप मोड बनाने वाले ने हमको दी है उतना ही है हमारे पास ऑप्शन। तो खैर इतना कोई बहुत बड़ा फील्ड नहीं है, तो अपना काम चल रहा है जैसे तैसे करके। तो यहाँ तक हम पहुँच गए एंड ट्रैक्टर बड़ा बढ़िया यार, ट्रैक्टर तो मेरे को बहुत मज़े दे रहा है। ये फीएट एग्री का ट्रैक्टर है, फीएट सुना हुआ है नाम है ना, फीएट के अपने इंडिया में ट्रैक्टर भी शायद हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कैबिन वाले, तो खैर डेफिनेटली नहीं है, छतरी वाले होते हैं, दूसरी तरह छतरी होती है उसमें। अपने इंडिया में वैसे भी छतरी ट्रैक्टर ऐसे ही चलते हैं, छतरी वाले होते हैं। और मेरे को ऐसे मोड पसंद भी है, लेकिन ऐसे मोड कम आते हैं, उस कम हॉर्स पावर वाले होते हैं। एंड अपने इंडिया में हॉर्स पावर की यहाँ तक बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ 500-600 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर होगा यार कहीं पर भी। अगर है तो यार मैं आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं है कभी। तो मैंने सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर जो देखा है वो आई थिंक 70 हॉर्स पावर के आसपास का था, सोनालिका का था। अभी उसमें भी सोनालिका 75 उसका शायद नाम था, अभी मेरे को ये नहीं पता कि उसकी हॉर्स पावर 70 थी या उससे कम थी या ज़्यादा थी, लेकिन उसका नाम हॉर्स पावर इतना है। महिंद्रा अर्जुन जो है वो भी तगड़ा ट्रैक्टर है वैसे, लेकिन उसकी भी हॉर्स पावर का एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। उस कहते तो ये है कि 60 है, लेकिन उसमें ताकत तो बहुत है, मुझे लगता है वो 100 के आस पावर उसकी हॉर्स पावर हो सकती है, बाकी मेरे को नहीं पता यार। ट्रैक्टर को जहाँ तक बात है ना हॉर्स पावर, आई थिंक
अपने इंडिया में 500 असरवा डायरेक्टर बहुत कम है। तो खैर यार काम बढ़िया चल रहा है, तो अभी चलता हूँ मैं फिर से शॉप पर, लेकर आता हूँ लाइम एंड स्प्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए गाइस, लाइम स्प्रेडिंग का काम जो है वो हो चुका है, पूरे फील्ड के ऊपर मैंने लाइम जो है स्प्रेडिंग उसकी कर दी है। तो अभी मैं आया हूँ फिर से शॉप पर एंड अभी हम जो है एक लेंगे लीज पर एक सीडर। तो यूज व्हीकल सेल में ये जो सीडर है आया हुआ है अमेजोन का बाय ही आर का है, लेकिन इसको हम लीज पर तो ले नहीं सकते, इसको सिर्फ खरीदना पड़ेगा और छोटा बहुत है, तो इसको खरीद कर क्या करेंगे हम। तो मैंने एक चीज़ देखी है, कहाँ थी वो, वीडर्स में है आई थिंक, हाँ तो वीडर्स में है, तो वो काफ़ी सस्ती है। कहाँ है वीडर, अच्छा वो ऊपर मैं वीडर नीचे ढूंढ रहा हूँ, मैं वीडर कहाँ गए, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने चेक किए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैं गेम क्विट करके चला गया थोड़ी देर बाहर। तो चलिए ये है, बहुत ही सस्ता है और ये सिर्फ 3 क्रॉप प्लांट करता है, ग्रास, एक कनोला एंड एक ऑयल सीड रेडिस। तो हम तो इसके ग्रास प्लांट करेंगे, कनोला और दूसरी तो हमको नहीं करनी है। तो इसमें हम जो है प्लांट करेंगे ग्रास एंड सस्ता सा काम है, लीज पर हमने लिया, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा हमें बिल्कुल भी ये। तो इसको अगर हम जो है भरकर देखें, इसमें मुझे लगता है सीड थोड़ा ही आएगा, चलो देखता हूँ फिर इसको भरकर लाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ अपने खेत में, फिर वहाँ जाकर मैं आपसे मिलता हूँ। एंड सबसे पहले तो यही मेरे को थोड़ी टेंशन है कि इसमें कितना कुछ सीड आएगा, बहुत कम तो नहीं आएगा। चलिए गाइस आ गया हूँ मैं खेत में अपने, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीडिंग एंड देखते हैं यार कैसा इसका टेक्सचर होता है। लेकिन उससे पहले ये मुझे लगता है हटाना पड़ेगा यार, ये जो मोबाइल शामिल है ना जो मैंने लगाई थी, जिसके साथ हम हाथ से उठाकर इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी लकड़ियाँ बेच सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मतलब तब ये ऐसी हो गई है कि जब भी आप इसको गेम क्विट करके वापस आते हो तो ये वहीं पड़ी होती है जहाँ से आपने इसको लगाया था शुरू में। तो खैर अब ये मैं इसको सेल कर दिया है, तो इसको लगाते हैं, चालू करते हैं। जैसा कि मैंने यार गाइस आपको कहा था कि मुझे टेंशन है इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम होगी, और वही हुआ है, सिर्फ 300 लीटर की इसकी कैपेसिटी है जो कि हद से ज़्यादा कम है। और 300 लीटर में मुझे तो लगता है इसके एक चारों तरफ से एक चक्कर भी पूरा नहीं आ पाएगा, तो मुझे लगता है बहुत ही कम है यार 300 लीटर, इतनी कम क्यों बनाई इन्होंने कैपेसिटी मेरे को पता नहीं है। लेकिन जो भी है जैसे भी है, अभी हमारा काम इससे चल जाएगा, सस्ता सा काम है एंड देखते हैं। अगर ज़्यादा परेशान हुआ मैं वापस जाना पड़ा शॉप में, तो कोई और इलाज करेंगे, यहाँ उठा लाऊँगा मैं कुछ सीट के बैग्स, इस तरीके से करूँगा। चलो जुगाड़ करते हैं कुछ, अभी तो फ़िलहाल ये ही हमारे लिए जो है सबसे बढ़िया है कि हमारा सस्ते में काम बन रहा है, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बढ़िया आ रहा है, फील्ड को हमने प्लो कर दिया था तो इस वजह से अच्छा टेक्सचर आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। एंड रोलिंग करने का भी वैसे जरूरत पड़ती है, रोलिंग तो करना ही पड़ता है अगर आपने मतलब कोई भी प्लांटिंग या सीडिंग की है, तो बेशक आपका टेक्सचर कैसा हो, अच्छा हो अच्छा ना हो, आपको पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी जरूर है, मतलब उससे आपकी कोई यील्ड जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, यील्ड मतलब जो पैदावार है फसल की वो थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि मतलब अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि इतना फालतू खर्च करूँ। हाँ अब देखने में लग रहा है 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये हैं, डॉलर हैं, तो भाई आप सोचो यार इतना डॉलर है तो तुम चीज़ खरीद सकते हो अपने हिसाब से कोई बढ़िया भी। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि मैं इसमें से बहुत ज़्यादा पैसे जो है थोड़ी देर में खर्च करने वाला हूँ किसी एक चीज़ पर, जो कि 80-90 हज़ार के आसपास आएगी। तो बता ही देता हूँ यार, मैं खरीदने वाला हूँ एक और लैंड का एरिया, अपने खेत से बिल्कुल सामने वाला एरिया जो है लैंड का, वो मैं खरीद लूँगा। तो उसमें जो है घास ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको भी हम मूविंग कर लेंगे। तो देखता हूँ आज करेंगे या फिर ये ग्रास जिस उस दिन हो जाएगा उस दिन एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। तो फिलहाल तो थोड़ी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन जैसे भी हुआ तो एक चीज़ तो जो अच्छी होगी कि ये है कि घास मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो साइलेज जो है अपना काफ़ी सारा बन जाएगा। तो इस खेत में तो खैर घास को हम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हमने फर्टिलाइजिंग भी किया है, प्लोइंग वगैरह करके अच्छे से घास उगाया है, तो अच्छे से होगा। लेकिन उसमें शायद इतना ज़्यादा यील्ड हमें नहीं मिलेगी घास की, लेकिन हाँ जितना भी है वो हमारे लिए बोनस होगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार ये, मतलब वैसे स्पीड थोड़ी स्लो ही चल रही है, इतनी कोई खास तेज़ नहीं भाग रहा है ये, 6-7 की स्पीड है इसकी, लेकिन जो भी है यार मज़ा मेरे को काफ़ी आ रहा है, क्योंकि एक बार में काफ़ी सारे एरिया ये कवर कर रही है। एंड थोड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है, मैंने कभी यूज नहीं की थी, बताऊँ तो मैंने ये कभी भी वीडर यूज नहीं किया था ग्रास प्लांटिंग वगैरह के लिए,
मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने वीडिंग के लिए तो शायद इसको यूज़ किया भी हो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ ग्रास प्लांटिंग वगैरह के लिए मुझे नहीं याद मैंने कभी इसको यूज़ किया है, तो पहली बार है, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है इसको यूज़ करने में। तो खैर ये काम चलता रहेगा तो इसको करते हैं, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो जैसे जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही कम उसमें बीज आता है, तो क्या दिक्कत हो गई है ये, तो उसका एक इलाज बड़ा अच्छा मिल गया कि विक्टल सेल जो आई हुई है, यूज्ड विक्टल सेल जो होती है जिसमें बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती है हमें, तो उसमें ये देखो एक बढ़िया चीज़ आई हुई है। तो इसको क्या है, इसके में आप बीज डाल सकते हो और ये आप ट्रैक्टर के अगली तरफ अटैच कर सकते हो। तो ये देखो यार, तो यहाँ पर मैं आया हुआ था एंड पहले मैं सीट भरने वाला था, मैंने सोचा यार ये चीज़ देख लूँ एक बार, तो मुझे ये चीज़ पसंद आई। तो हाँ देखो ये ट्रैक्टर के अगली तरफ अटैच हो गई है, इसकी कैपेसिटी आई थिंक 1500 लीटर की है, तो 1500 लीटर तो बहुत होते हैं सीडिंग की बात करें अगर, मतलब हर चीज़ पे डिपेंड करता है, कभी आप मैनर या सैलरी की बात करोगे तो वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें तो 1500 लीटर कुछ भी नहीं होते, लेकिन हाँ अगर सीड की बात करो तो उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाती है, काफ़ी टाइम जो है निकल जाता है, 1500 लीटर तो बहुत होते हैं, 300 लीटर अपने उसमें भी आ जाएंगे, तो कुल मिला के 1800 लीटर हो जाएंगे अपने पास, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इनको रीफिल, थोड़ा सा इनके कवर ओपन करने में थोड़ी सी मेरे को आ रहा था परेशानी, लेकिन जो भी है हो गया। तो दो ऑप्शन दिखा रहा है, ये सोलर फर्टिलाइजर भी इसमें आ जाता है, तो चल हमको तो सोलर फर्टिलाइजर इसमें डालना नहीं था, हमको तो डालना है इसमें सीड, तो सीड अभी पीछे वाले में डालना है 1 मिनट। इसका कवर जब दो तीन चीज़ें हो जाती हैं ना तो समझ में नहीं आता कि किसको ओपन करना है, किसको जो है बंद करना है। 1 मिनट, ये आगे वाला ओपन हो गया, पीछे वाला हो नहीं रहा। 300 लीटर सीड में भरना, हाँ आगे वाला तो बंद हो गया, चलो अभी पीछे वाला, हाँ चल हो गया। तो सस्ता ही है वैसे सीड, 300 लीटर के लिए 215 रुपये। ओवरऑल जो है उसका पैलेट भी खरीद सकता था मैं, लेकिन मुझे यहीं से मैंने ये लगा रखा है मोड, बाय एनीथिंग साइलो, नहीं बाय एनीथिंग साइलो नहीं है ये, कुछ और है मोड। तो चलो यार जो भी है मैं करता हूँ सारे उस फील्ड को प्लांटिंग, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस लगभग अपना फील्ड जो है वो प्लांट हो चुका है ग्रास इसमें सारा, एंड क्योंकि वो मैंने टैंक ले लिया था सीड वाला, तो इसमें अभी सीड काफ़ी ज़्यादा भर के ले आया था मैं, तो इसलिए मुझे अभी बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ा। एंड तब जब से मैं मतलब लेकर आया हूँ तब से मैं लगातार इसको करके अभी मेरा अच्छे से जो है हो चुका है, थोड़ी बहुत हेल्पर की मदद मैंने ली थी डेफिनेटली, बिना हेल्पर की मदद से नहीं हुआ। एंड करते कराते अपना सारा फील्ड जो इसमें ग्रास प्लांट हो गया है, तो अभी इसमें फर्टिलाइजिंग करनी है, तो फर्टिलाइजर तो अपने पास ऑलरेडी है, फर्टिलाइजर भी है, मतलब फर्टिलाइजर नहीं अपना फर्टिलाइजर स्प्रेडर जो है जिसके साथ आप फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हो, मतलब खाद डालते हो अपने खेत में, तो वो तो अपने पास है ही है, तो बस उसको जाकर लाना है शॉप पे जाकर कुछ फर्टिलाइजर ले आएंगे। तो उसमें भी एक मोड लगा रखा है मैंने, फार्म सप्लाई पैक मोड है वो, बड़ा अच्छा है। उसमें क्या है कि उसमें सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती है आपको, कोई भी चीज़ आप लेने जाओ सस्ती मिल जाती है, मतलब चाहे वो आप अपनी मुर्गियों के लिए दाना पानी ले, दाना मतलब फीड ले लो, वीट जिसे कहते हैं वीट ले लो, चलेगा। इस मैं शॉप पर आ गया हूँ, तो ये पैलेट हम कर लेते हैं बाय, 1000 रुपये में 5000 लीटर मिल जाता है, बहुत मतलब सस्ता पड़ जाता है ये तो, एंड कोई भी चीज़ आप लो वो भी सस्ती ही पड़ती है, मतलब चाहे आप चिकन फीड ले लो तो वो भी 1000 रुपये में 5000 लीटर मिल जाएगी, या फिर जो ना आप ओट्स के लिए ना सॉरी ओट्स नहीं हॉर्सेस के लिए ओट्स ले लो, सोरगम ले लो, मतलब कोई भी इसमें चीज़ जो है, बस एक चीज़ की मेरे को लगता है इसमें कमी है वो है सीट की, इसमें सीट पैलेट नहीं बना रखा है इस बंदे ने जिसने ये बनाया है, फार्म सप्लाई पैक का है इसका नाम, तो अगर वो सीट बना देता तो सीट भी बहुत सस्ता पड़ जाता, लेकिन खैर सीट के लिए और ऑप्शन है हमारे पास तो हम वहीं से बाय कर लेते हैं। खैर चलिए ये तो हो गया इसमें लोड, तो इसको लेकर चलते हैं फटाफट से, एंड करते हैं फिर फर्टिलाइज, देखते हैं क्या वो जो दाग धब्बे से बने हुए हैं वो दूर हो जाएंगे इससे। तो थोड़ा अजीब सा वैसे उसमें दिख रहा है अगर हम मैप में जाकर देखें कि, अरे यार हाँ ठीक चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि मैप में अगर हम देखते हैं फर्टिलाइजर वाली स्टेज कैसे आए, तो वहाँ पर बड़ा अजीब से दिखता है, दाग धब्बे से दिखते हैं। तो एक बार तो खैर क्योंकि अगर हम ग्रास जो है उसको मतलब प्लो करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर स्टेज एक दिखती है ऐसा, मतलब इस गेम ने ऐसा बनाया है सिस्टम, अभी क्यों बनाया मेरे को नहीं पता,
चलो देखते हैं वहाँ जाकर। तो चलिए गाइस करते हैं इसमें इसको स्टार्ट, पता चल जाएगा फिर कि रेंज तो खैर आपको पता ही, मैंने जब लाइव स्प्रेडिंग की थी तो इसकी 42 मीटर रेंज है, तो एरिया तो बहुत ज़्यादा एक बार में कवर कर लेती है। FS-22 में बड़े बड़े आए हैं ये, FS-19 में तो ज़्यादा है ज़्यादा बड़ा जो था शायद 24 मीटर के हुआ करते थे, मतलब स्प्रेडर की बात कर रहा हूँ। हाँ स्प्रे करने वाले जो थे लिक्विड वाले वो तो बड़े बड़े थे, लेकिन लाइम और फर्टिलाइजर वाले जो थे वो छोटे थे। नहीं यार ये दाग धब्बे अच्छे से तो नहीं दूर हुए, मुझे लगा था शायद साफ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं जैसा भी है, ग्रास ही लगाया हमने, ऐसे कोई क्रॉप तो लगाई नहीं है, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा उसको जरूरत है। हाँ वैसे फर्टिलाइजर जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना अच्छी यील्ड आपको मिलती है, ग्रास में भी यील्ड का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत हो जाएगा इतना भी, तो इसके बाद तो मैं खैर डेफिनेटली इसको नहीं छेड़ूंगा। तो करते हैं ये थोड़ा सा फील्ड यहाँ पर जो बनाई है अजीब गरीब सी लग रही है, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम जब इसको मैं प्लो करूँगा तो आई होप इसको सीधा कर देंगे, या फिर हो सकता है हम नेक्स्ट इसके साथ वाला प्लॉट ही खरीद लें तो अपना फार्म थोड़ा और बड़ा कर लें। खैर वो तो बाद की बात है, अभी के लिए तो ये कर रहे हैं फर्टिलाइजिंग हम, तो हेल्पर आया किया था मैंने ताकि वो सीधा चले, लेकिन अरे यार ये रह जाता है तो ये बड़ा पंगा है। चलिए जो भी है जैसे भी है बढ़िया हो रहा है फर्टिलाइजर। तो मैं बात कर रहा था कि 32 में थोड़े बड़े वाले आए हैं लाइम और फर्टिलाइजर के, वैसे लाइम के तो सच बताऊँ तो नहीं आए हैं ना, क्योंकि जो गेम बनाने वालों ने सिस्टम बनाया था उसमें ऐसा था कि आपका जो है फर्टिलाइजिंग वाले हैं अमेज़न के हैं दो, वो बड़े हैं वो मतलब 42 मीटर रेंज वाले हैं, लेकिन जो लाइम वाले थे दो वो रेड कलर के साथ ब्रेडल कंपनी के थे वो छोटे ही थे, वो 24 मीटर रेंज तक के ही थे। तो ये तो खैर मोड जो जब से आने शुरू हुए हैं तो मोड की वजह से थोड़ा हेल्प हो गई है, कि मोड बनाने वालों ने अच्छी काम ये किया है कि उन्होंने लाइम वाले भी जो बनाए हैं स्प्रेडर तो उन्होंने उसमें भी जो है ये रेंज ज़्यादा ही रखी है, 42 मीटर की ही रखी है, सब में तो नहीं, तो खैर सभी की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ज़्यादातर के ऑप्शन जो है यही है कि उसमें बढ़ा देते हैं वो लाइम स्प्रेडर, तो जो कि एक अच्छी बात है। चलिए इसको यहाँ शुरू करते हैं, तो जो रह रहा है उसको डेफिनेटली मैं कर दूंगा अच्छे से क्लियर। तो एंड आई थिंक यार अभी काफ़ी हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ अभी थोड़ा सा करता हूँ मैं स्किप, तो अभी आपको मैं मिलूँगा तब जब अपना ग्रास जो है वो रेडी हो जाएगा बिल्कुल, फिर हम उसको मूविंग करेंगे। यार बहुत मतलब टाइम हो गया है तो अभी थोड़ा आगे करते हैं, स्किप करते हैं इस फील्ड वर्क को, तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में ही खैर, क्योंकि मेरा इसमें गेम में तो टाइम बहुत लगने वाला है, लेकिन आपको तो मैं थोड़ी देर में मिलूँगा। चलिए गाइस ग्रास अपना जो है रेडी हो चुका है, तो मैं आ गया हूँ शॉप पे फिर से। तो ये मोवर्स हैं मैं देख रहा था, तो ये वैसे जो बड़े हैं ये वाले जो लाल लाल से है ना ये ज़्यादा बड़े हैं, एंड ये जो कुन के हैं ये तो खैर मैं एलग्रेंट के ऊपर यूज कर रहा हूँ तो ये तो मैं डेफिनेटली यूज नहीं करूँगा। एंड एक ये पीला वाला है ये तो छोटे हैं ये नहीं करूँगा, ये पीला वाला है या फिर ये पुटिंगर के हैं तो ये ही मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। हाँ ये दो जो लाल लाल हैं ना ये बड़े हैं सबसे, इनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है एंड अपना ट्रैक्टर के पास इतनी हॉर्स पावर नहीं है, तो मैं ये दोनों ले लेता हूँ। तो ये जो है बीच में अच्छी सी डंडी बना देते हैं ग्रास की, तो उससे क्या होता है कि आपको फिर विंड रोवर यूज नहीं करना पड़ता, एक ही बार में आपका काम जो है वो अच्छे से बन जाता है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो। तो चलिए इसको करते हैं कनेक्ट, ये इधर से हो नहीं रहा, अच्छा हो रहा था यार थोड़ा सा ज़्यादा मैंने शायद अंदर की तरफ घुसेड़ दिया उसको। तो चलिए ये तो हो गया कनेक्ट, तो इसको अब दूसरी तरफ से करते हैं कनेक्ट करके देखते हैं इसको बढ़िया सा हो जाएगा। हाँ चलिए हो गया, बहुत अच्छी बात है।
तो चलते हैं इसको लेकर एंड देखते हैं फिर कि कैसा ये करता है काम। एंड उसके अलावा यार मैंने सोचा कि एक फील्ड में और खरीदूँ, शायद मैंने आपको बताया भी था मैं कुछ खरीदने वाला हूँ, जो पैसे हैं उसका, तो मैं खरीदने वाला हूँ एक और फील्ड या एक एरिया, क्योंकि इस मैप में एरिया है, फील्ड तो बनी नहीं है, फील्ड तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन जो एरिया होते हैं वो मैं एक और खरीदने वाला हूँ। तो दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा है। तो आ गया हूँ दोस्तों मैं, तो पहले मैं सोच रहा ये 7 वाला खरीदूँ, लेकिन इसमें तो पेड़ बहुत है, तो मैंने सोचा यार अगर फील्ड हमको बनानी है तो वो जो साइडों में दूसरी तरफ है ना, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें पेड़ नहीं है। हाँ, एक दुका इधर उधर कहीं हो तो वो बात अलग है, लेकिन उसमें पेड़ है नहीं ज़्यादा जो हमें परेशान करे, इतने पेड़ उसमें नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो उसके ऊपर घास भी लगा है, तो वो घास भी हम काट लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने बता दिया था, लेकिन काम काफ़ी टाइम हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने बीच में रिकॉर्डिंग दो दिन तक की नहीं थी, तो मैं इस वजह से भूल गया हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है या नहीं बताई। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बता दी तो कोई बात नहीं, बस कुल मिला के मेरा प्लानिंग जो है वो यही है। एक फील्ड नहीं कह सकता मैं उसे, मतलब एरिया, हाँ तो एक एरिया मैं और खरीदूँगा, तो उसके ऊपर फिर हम जो है घास काटेंगे वहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने हेल्पर हायर किया था, मेरी सोच तो यही थी कि हेल्पर हायर कर देंगे तो वो सीधा सीधा जाएगा, अच्छी सीधी लाइन बनेगी, लेकिन हेल्पर तो कुछ और तरफ चल पड़ा था। वैसे हेल्पर तो बेचारा सीधे ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि अपना खेत थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है साइड से, तो इस वजह से उतना अच्छे से बात बनी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इसको अभी हम कूल कर लेते हैं थोड़ा सा, पर भी अगर लगा दें हेल्पर लगा दिया, चलो मैं देखता हूँ अभी, आई थिंक सीधा ही चल रहा है ये। ठीक है, जितना को घास को काटना चाहिए उतना को तो काट ही रहा है, फिर डेफिनेटली आई होप आपने लास्ट गेम प्ले जो इस सीरीज के दूसरे दो हैं वो देखे होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि मेरी प्लानिंग जो है इस सीरीज में वो है कि हम साइलेज बनाएंगे, साइलेज बनाकर सेल करेंगे उसको, और वो भी करेंगे बायोगैस प्लांट पर। तो बायोगैस प्लांट के ऊपर कोई भी चीज़ आप अगर यूज़ करके बेचते हो तो उसमें पैसा आपको कुछ ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, मतलब साइलेज जो है उसको आप वैसे भी सेल कर सकते हो तो पैसा उसका भी मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना बायोगैस प्लांट में अगर आप उसको वर्क करके मिलो। हाँ, बायोगैस प्लांट में ऐसा नहीं कि सीधे जाकर सेल कर दो, उसमें तो उतना कोई मिलता है, लेकिन उसमें आपको कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है, बायोगैस प्लांट ऑपरेशन जिसे कहते हैं। दिखाऊंगा मैं क्या होता है, कैसे सिस्टम चलता है उसमें। डाइजेस्टेड नाम का एक स्प्रेडर फर्टिलाइजर भी मिल जाता है हमें अपने खेत के ऊपर यूज़ करने के लिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। खैर वो तो नेक्स्ट गेम प्ले में होगा, आज के गेम प्ले तक तो आज का गेम प्ले तो आई थिंक यहीं पर ज़्यादा होगा कि इसमें हम घास काटेंगे एंड उसको कलेक्ट करना भी आज थिंक आज शुरू कर देंगे हम। आई थिंक शायद नहीं, चलो देखता हूँ। एंड मेरी प्लानिंग तो वो लोडिंग वैगन के साथ कनेक्ट करने की है इसको। वैसे बायोगैस प्लांट के ऊपर एक ऑप्शन हमको उन्होंने दे रखा है, वो ऑप्शन है कि आप वहाँ पर जाकर अपना जो है साइलेज बना सकते हो। वैसे आपको पता ही होगा साइलेज कैसे बनता है, तो घास हो गया या फिर कॉर्न चाफ हो गया, तो कॉर्न चाफ मतलब मक्के का जो अचार कहते हैं जैसे अपने इंडिया में, तो उसमें क्या होता है कि आप मक्की को डायरेक्ट सारे के सारे को काट लेते हो। वैसे क्योंकि मक्की जो होती है यानी कॉर्न जो होता है उसमें छल्ली लगती है, छल्ली या भुट्टा कहते हैं उसे, तो वो भुट्टा लगता है तो उसको बिकता है, लेकिन अगर आप सारे को काट लो, सारा का जो पेड़ सा उसका होता है पूरा पौधा कह लो, जो पौधा होता है पूरा उसका, अगर उसको समेत काट के उसको काट कर उसको फिर फर्मेंट करते हैं, यानी कि उसको ट्रैक्टर के साथ अच्छे से दबा कर कम्पैक्ट करके यानी उसको फिर छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए ऊपर से ढककर, वो फर्मेंट हो जाता है तो उसे फिर कहते हैं अचार बना दिया। क्योंकि इंडिया में जो अचार खाने के लिए होता है ना, इंडिया के नहीं मतलब इंसानों के अचार जो होता है, वैसे इंडिया में होता है मेरे को पता, बाहर देशों का, तो जो अचार होता है जो इंसान खाते हैं उसमें तो उसका भी तो सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है ना कि भाई उसको हम जो है काट कूट के मतलब सारा कुछ लगा के मसाला वसाला लगा के, मसाला तो खैर हम अपने स्वाद के लिए लगाते हैं क्योंकि ये जानवर जो होते हैं तो उन्होंने बेचारे को तो स्वाद ये इसी में आज मिल जाता है, तो उसमें भी हम ऐसे ही मसाला मसाला लगा के उसको सरसों का तेल या जो भी मतलब है आपका ऑप्शन होता है उसमें डाल के उसको रख देते हैं कई कुछ महीनों के लिए। हम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ महीनों के लिए रख दो या 8-10 दिन बाद भी चालू कर सकते हो, जैसे आजकल आई थिंक सीजन आ गया है
अचार आम का डल रहा है बहुत सारा। तो उसमें क्या होता है कि आपकी मर्जी, आप चाहो तो अचार डालने के 2 दिन बाद शुरू कर दो खाना, या हफ्ता दिन रुक के खाओ। लेकिन हाँ, जो बढ़िया मज़े वाला अचार बनता है वो तो थोड़े दिन रुक के ही बनता है, जब थोड़ा थोड़ा गल जाता है वो, तो खाना में आसान रहता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की पसंद अलग होती है, उनको खट्टा खट्टा सा पसंद आता है खाना, क्योंकि खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मैं छोड़ो ये बात को। तो वो अचार होता है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जानवरों के अचार की, साइलेज की। तो घास का भी साइलेज ऐसे ही बनता है, उसको भी काट, मतलब मसाले वाला नहीं मैं बात कर रहा, मैं जानवरों वाला साइलेज की बात कर रहा हूँ। तो घास का भी ऐसे बनता है, उसको फिर काट के ऐसे उसको कलेक्ट करके एंड जाकर फिर किसी जगह पे उसको फर्मेंट कर देते हैं, कंपैक्ट कर देते हैं, मतलब एक वैसे तो आप उसको कहीं भी कर दो, उसने कौन सा कुछ कहना है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे सफाई से काम करना चाहते हो तो एक मिट्टी मिट्टी ईंटों और सीमेंट का एक बढ़िया सा बनाया जाता है, एक जगह सी बनाई जाती है, उसके अंदर फिर उसको डालकर अपने घास को डाल दो या मक्की का डाल दो, जिसको भी डालना है। उसके बाद उसको ट्रैक्टर के साथ अच्छे से दबा देते हैं और फिर उसको ऊपर से कवर करके छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो फिर वो साइलेज बन जाता है बड़ा अच्छा सा। या दूसरा ऑप्शन होता है साइलेज बेल्स का। तो बेल्स का भी काम ऐसे ही होता है, उसमें ऐसे बस कंपैक्ट नहीं करते, उसमें ऐसा करते हैं कि उसको आप जो है ऊपर चारों तरफ से लपेट देते हो, उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हो या रैप कर देते हो रैपर। वो कपड़ा स्पेशली होता है, ऐसे आम कपड़ा जो नहीं होता, वो स्पेशल होता है, एक रैप होता है वो। तो ऊंचे से उसको रैप कर देते हैं, फिर जो है वो हो जाता है बढ़िया सा घास बन जाता है, मतलब अचार बन जाता है वो भी। तो उसको जानवर काफ़ी शौक से मज़े से खाते हैं। तो ये होगी पूरी साइलेज की कहानी, काफ़ी लंबी चौड़ी। तो साइलेज हम बनाएंगे, लेकिन हम तो सेल करेंगे क्योंकि अपने पास अभी कोई जानवर नहीं है, काऊज ही खाती हैं साइलेज को, तो अपने पास कोई काऊज वाउज है नहीं है। तो चलिए, घास कट रहा है अच्छे से एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। चलो यार, ऐसा करता हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया इसके, इसी खेत में लगा हुआ है मैं घास काटने, तो अभी ऐसा करता हूँ थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ, जैसे ये घास पूरा खेत का कट जाएगा फिर आपको नेक्स्ट फील्ड दिखाता हूँ। चलिए गाइस, ये अपना फील्ड जो है सारा, इसमें घास जो है वो कट चुका है एंड बढ़िया लाइनों में अच्छा सा बन गया है। एंड आई होप कि अभी इसको आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर लेंगे। तो खैर, अभी मैंने इसको उसमें कुछ घेर दिया, निकल जाएगा। हाँ, निकल गया, चलिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट जो हम फील्ड खरीदने वाले हैं वो यहीं इसके बिल्कुल सामने वाला है, फील्ड नहीं खैर एरिया, क्योंकि आदत हो गई अभी फील्ड कहने की, यार फील्ड ही निकल जाता है मुँह से। तो एरिया नंबर 24 जो बिल्कुल अपने सामने है ये वाला, तो इसको हम खरीद लेंगे। तो ये हो गया बाय। ये साइड में आपको जो दिख रहा है ट्रेन यार्ड वाला, ये ब्लू दिख रहा है, तो ये मुझे खरीदना पड़ा था। क्यों खरीदना पड़ा था, इसके ऊपर मैंने रैंप लगा रखा है, वो आपको दिखाऊंगा। खैर, उसको मैं यूज नहीं करूँगा उस एरिया को, उसके ऊपर मैं कोई खेती वेती नहीं करूँगा, लेकिन आज उसको खरीदना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उसके ऊपर मुझे रैंप लगाना था। उसका सिस्टम बड़ा अजीब है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैंने वहाँ रैंप लगाया, क्यों उसको खरीदा है मैंने, ऑफ द कैमरा वो सब कुछ मुझे, मतलब इस लेट्स प्ले को सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसे, प्रिपेयर करना कह सकते हैं मतलब। तो इस लेट्स प्ले को सेट करने के लिए मुझे जो है इसको तैयारी करने के लिए उसमें मैंने खरीदा, उसमें एक रैंप लगाया है, उसमें हम सामान बेच सकते हैं जाकर। लेकिन ना उसको बाकी मैं कोई यूज़ नहीं करने वाला, उसमें सिर्फ सेल करने के लिए है, सेल करूँगा सामान, मैं साइलेज भी शायद सेल करके दिखाऊँगा मैं आपको। तो चलिए गाइस, ये अपना न्यू एरिया जो हमने खरीदा है, इसके ऊपर भी मैंने घास काटना शुरू कर दिया है। एंड आज के गेम प्ले में आपको घास मैंने वैसे ही बहुत काट काट के दिखा दिया था, आई थिंक अभी आपको घास काट कर कटते हुए और देखना इतना अच्छा नहीं लगेगा। एंड आई थिंक आज का गेम प्ले भी काफ़ी लंबा आ चुका है, तो मैं ऐसा करता हूँ आज का गेम प्ले यही एंड करता हूँ। आई होप आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर कोई भी आपका सजेशन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या कोई भी और चीज़, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस चैनल के यार सपोर्ट करो, नया चैनल है, नया तो नहीं खैर अभी तो साल के आसपास हो चुका है मेरा चैनल बने को, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, मतलब इतने दिन अगर मैं गिनूँ ना जितने दिन हुए हैं, उससे आधे भी मेरे अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो यहीं से आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने कम है मेरे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ यार चैनल को करो सब्सक्राइब एंड इस तरह के गेम प्ले मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। कोई भी सजेशन है, कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना।
मिलता हूँ आपसे नए गेम के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।